पार्ट थ्री में देखो, पार्ट थ्री में क्या है, पार्ट थ्री समझा, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट थ्री बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट थ्री। आपको एक्स जब थ्री माइनस टू रूट थ्री, टू रूट टू आपको निकालना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। पहले क्या करोगे, ये एक्स आपको दिया हो, इसका वन अपॉन एक्स निकालोगे, वन अपॉन एक्स कर दोगे, फिर उसका क्या करोगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो आंसर निकल के सिंपलीफाई करके आंसर निकल कर, जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वन अपॉन एक्स निकलेगा। वन अपॉन एक्स पता चल गया, एक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर दो एक्स की जगह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, उसी वैल्यू प्लस कर देना। फिर इसमें भी एक्स की जगह एक्स, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है, पाँचवा पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में एक्स रखोगे माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू निकली वो रखोगे, उनको सॉल्व करोगे। तीसरे पार्ट में एक्स का पूरा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करोगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो तुमने निकाला होगा, ये जो निकाला होगा इसकी जो वैल्यू निकल कर आई होगी, उसके बहुत साइड पर स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे तो वहाँ से बारह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म जो बीच में टू थ्री जो भी है उधर भेज दोगे, ठीक है ना। तीसरा फिर एक्स एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स कर दोगे, माइनस वाला जो निकाला होगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो निकाला होगा उसके बहुत साइड पर स्क्वायरिंग कर दोगे, तो वहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसमें भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो अब उसमें करने के लिए क्या करोगे, ये तो एक्स प्लस वन निकाला है, एक्स माइनस वन निकाला है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी प्लस इसको माइनस बीस बराबर आता है, वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। ए माइनस बी की जगह ये वाली पुट करोगे, ए प्लस बी की, ए प्लस बी की जगह ये वाली पुट करोगे, ए माइनस बी की जगह ये वाली वाली पुट करोगे, इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या आपको निकालना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसकी वैल्यू एक्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की बात बता रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन किसके बराबर होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तुमको पता ही है, वो चीज निकाल चुके होगे तुम, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू को पुट करोगे वहाँ पर, तो वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स निकल के आ जाएगा, कर चुके हो। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, इसमें जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का निकाला होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स निकाल, दोनों में से एक को स्क्वायरिंग कर देना बहुत सारे दोबारा, तो वो ऑटोमेटिक वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ टास्क आपको करना है, ठीक है।